हेलो, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वीन केमिस्ट्री। देखिए, आज मैं एक अलग से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं गलत करके आ चुका हूँ एक कंपटीशन एग्जाम में जो एस्टेट था हमारे हरियाणा का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था उन्होंने, दे आर प्रोवाइडेड ए क्वेश्चन कि भाई व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C2 मॉलिक्यूल, कि भाई C2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। आप सबने टाइप पढ़ रखे हैं, भाई दो तरह के बॉन्ड बताए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो मैं भी इसका स्ट्रक्चर जनरली लेवल स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं इसका तो ये आएगा आपके सामने, है भी ये स्ट्रक्चर। और जब मैंने इसको O2 से कंपेयर किया तो मैंने लगा दी एक सिग्मा और एक पाई है, तो मैं ऑप्शन कौन सा टिक लगा क्या है कि भाई 1 सिग्मा एंड 1 पाई, जो गलत हो गया जब किया ही। ठीक है, मैं बता देता हूं कि दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड्स हैं। ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो 11th क्लास में दे नहीं रखा है, पहले क्लियर कर देता हूं, 12th में दे रखा है। पर आप ध्यान याद रखेगा, कार्बन मॉलिक्यूल के दोनों जो बॉन्ड्स है दे आर बोथ पाई बॉन्ड्स। तो आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि दोनों पाई बॉन्ड कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे थ्योरी का, कौन सी थ्योरी का, जो आपने लर्न पढ़ रखी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा तो क्या एस्टेट में गलत हो गया, आगे से गलती नहीं भी होगी, कहीं भी आपसे भी गलती नहीं हो, चाहे आप नीट का पेपर दें, चाहे IIT मेंस का पेपर दें, एडवांस का पेपर दें, ये क्वेश्चन बन सकता है MOT में से कि C2 मॉलिक्यूल में किस तरह के बॉन्ड्स हैं। तो याद रहे दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कैसे, देखो हम इसका बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब दोनों कार्बन ही है, 6 एटॉमिक नंबर है, 2, 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके, कहां कहां पे प्रेजेंट है, 1s2, 2s2, 2p2। ओके, एक कार्बन की ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2, 2p2, तो 1s को तो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं इस बंदे ने। 2s2 से हम स्टार्ट करते हैं, तो सपोज करो ये पहले कार्बन का 2s2, ये C1 सपोज करके चलो इसको। ठीक है, ये इसका 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बगल वाला कार्बन दूसरा है C2, उसका भी 2s2 ही है। ओके, जब दो s ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो ही बनाएंगे मेरे ख्याल से, एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग, एक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपका हो गया सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। चार यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर, 2 आर प्रेजेंट ओवर हेयर। नाउ वी कम टू 2p ऑफ बोथ दीज कार्बन्स। ठीक है, तो आई हैव टू रब दीज लाइन्स। ओके, नाउ वी कंटिन्यू। Now, P has 3 ऑर्बिटल्स, आप सबको पता है ये बातें, वहां भी बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड एम्प्टी इज 2pz। सिमिलरली ओवर हियर 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स। ओके, ना वेन दे विल कंबाइन टू वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 9th क्लास आपको बताएगा 11th क्लास के अंदर कि नाइट्रोजन और उसके नीचे जो मॉलिक्यूल जो बनाएंगे एटम्स, उनका जो px और py है उनका एनर्जी लेवल कम है। ये दो बना दिए मैंने, दिस इज नोन एज पाई 2px, पाई बॉन्डिंग 2px, दिस इज नोन एज पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, एंड ओवर हेयर इज योर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहां तो बात क्लियर हो गई आपको, उसके बाद फिर आपका ऐसे ही है,
दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। इस तरीके का इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है सी टू मॉलिक्यूल का। नाउ वी हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर, टू फ्रॉम दिस कार्बन सी वन, टू फ्रॉम दिस कार्बन सी टू, टोटल फोर। तो वन टू थ्री फोर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सी टू मॉलिक्यूल। अब जैसे कि डायग्राम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि दो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनने वाले हैं उनमें ये लोग शामिल हैं, पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स एंड पाई बॉन्डिंग टू पी वाई। और जब पी एक्स और पी वाई के दो दो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो देर आर टू पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड ओवर हियर। इसी वजह से जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है सी टू उसके अंदर दोनों जो बॉन्ड होते हैं दे बोथ आर पाई बॉन्ड्स। इसे याद रखिएगा प्लीज आप लोग, क्लियर है, समझिए। ये तो लोन पेयर है ये वाले आपके, आगे बात समझ में आपको। प्लीज इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि कार्बन मॉलिक्यूल के दोनों जो बॉन्ड है किस टाइप के बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडे स्मॉल लेक्चर, दो इट इज ऑफ ओनली 6 or 7 minutes, लेकिन आपको याद रखना चाहिए जो ऐसे छोटे छोटे जो लेक्चर्स होते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लेके आऊंगा आपके लिए काम के पॉइंट्स आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वी आई एन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।